Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about the meaning of official assignee and official receiver. इसके बाद एक और टर्म को मैं टेकअप करूंगा, दैट इज रिसीवर. सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली हम इन तीन टर्म्स को डिफाइन करेंगे, ऑफिशियल असाइनिंग, ऑफिशियल रिसीवर एंड सिंपल रिसीवर. ऑफिशियल रिसीवर एंड ऑफिशियल असाइनी. सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल असाइनी की. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, इफ एन ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी इज पास्ड अगेंस्ट द डेटर बाय द कंसर्न कोर्ट, then the property of that debtor will be vested with the person appointed by the court known as an official assignee. अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास कर दिया है, उस केस के अंदर उस व्यक्ति की सारी संपत्ति कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड पर्सन के हवाले कर दी जाएगी. जिस व्यक्ति को कोर्ट इस काम को करने के लिए अपॉइंट करेगी, दैट पर्सन इज टर्म्ड एज ऑफिशियल असाइनी. असाइन करने का मतलब होता है सौंप देना. ऑफिशियल असाइनी मीन्स कोर्ट ने इस व्यक्ति को एक काम सौंप दिया कि तुम इसकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर लो और इसके बाद उस संपत्ति का बंटवारा ये व्यक्ति करेगा. द ऑफिशियल असाइनी इज ए कोर्ट ऑफिशियल. ये कोर्ट का ऑफिशियल है. हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रियलाइज ए बैंकरप्ट पर्सन्स असेट. जिस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ये उस व्यक्ति की सारी असेट्स को अपने कब्जे में ले लेगा, उन असेट्स को रियलाइज करेगा, उन असेट्स को मार्केट के अंदर बेचेगा एंड पे ऑफ हिज डेट और उस व्यक्ति के क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा, एज वेल एज चेकिंग ऑन हिज एक्शन ड्यूरिंग द पीरियड दे आर बैंकरप्ट. इस दौरान उस व्यक्ति के सारी एक्टिविटीज के ऊपर नजर भी यही व्यक्ति रखेगा. द रोल ऑफ ऑफिशियल असाइनी. द रोल ऑफ ऑफिशियल असाइनी इज टू इन्वेस्टिगेट द फुल एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी. ऑफिशियल असाइनी का रोल यहां पर इन्वेस्टिगेट करना है. टू इन्वेस्टिगेट द फुल एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये उसकी सारी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेगा. एंड टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट, इट मीन्स वो प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर करेगा. एंड एलोकेट इट अमंगस्ट द क्रेडिटर्स ऑफ द इंसॉल्वेंट, और उस पैसे को इंसॉल्वेंट के लेनदारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा. देयरफॉर ऑफिशियल असाइनी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल इनकम टैक्स मैटर्स ऑफ द एस्टेट असाइन टू हिम. इस केस के अंदर ऑफिशियल असाइनी डेटर के इनकम टैक्स मैटर्स को भी हैंडल करेगा. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ऑफिशियल रिसीवर. ऑफिशियल रिसीवर ओ आर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू विच दे आर अटैच. ये कोर्ट का ही एक ऑफिसर है. ही इज आंसरेबल टू द कोर्ट्स फॉर कैरिंग आउट द कोर्ट्स ऑर्डर. कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया, उनके ऑर्डर को फुलफिल करने की जिम्मेदारी ऑफिशियल रिसीवर की है. ही एक्ट्स एज एन इंटरिम रिसीवर और प्रोविजनल लिक्विडेटर. स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से समझेंगे. इसको या तो हम इंटरिम रिसीवर का नाम दे सकते हैं या प्रोविजनल लिक्विडेटर का नाम दे सकते हैं. एट एनी टाइम आफ्टर ए पिटीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑर्डर हैज बीन प्रेजेंटेड. कोर्ट के अंदर किसी व्यक्ति की इंसॉल्वेंसी ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट फाइल की गई, इस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाए. अभी सिर्फ ये पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल किया गया है. द कोर्ट में अपॉइंट द ओआर. कोर्ट में अपॉइंट ऑफिशियल रिसीवर एज इंटरिम रिसीवर फॉर एन इंडिविजुअल. अगर तो एक इंडिविजुअल को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए कहा गया है, तो हम ओआर को नाम देंगे इंटरिम रिसीवर. आर एज प्रोविजनल लिक्विडेटर फॉर ए कंपनी. अगर किसी कंपनी की इंसॉल्वेंसी का केस आया, तो हम इसको नाम देंगे प्रोविजनल लिक्विडेटर. दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द डेटर्स प्रॉपर्टी आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनीज अफेयर पेंडिंग द आउटकम ऑफ द हियरिंग ऑफ द पिटीशन. कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर दिया गया कि इस व्यक्ति को या इस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाए.
जब ये कोर्ट के अंदर पेटीशन फाइल कर दिया गया तो उस केस के अंदर डेटर की प्रॉपर्टी को कोई मिसमैनेज ना कर दे, उस केस के अंदर हम एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं एंड दैट पर्सन इज ऑफिशियल रिसीवर। चाहे ये इंडिविजुअल का केस हो, चाहे ये कंपनी का कोई केस हो, उस केस के अंदर जिस ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। इंडिविजुअल के केस के अंदर हम इसे नाम देंगे इंटरिम रिसीवर और कंपनी के केस के अंदर हम इसे नाम देंगे प्रोविजनल लिक्विडेटर। नाउ ऑफिशियल रिसीवर एज प्रोविजनल लिक्विडेटर, इन सम इंसॉल्वेंसी केसेस द मोमेंट ए बाइंडिंग अ पिटीशन इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट ए प्रोविजनल लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड। कुछ इंसॉल्वेंसी के केसेस के अंदर जब किसी कंपनी को वाइंड अप करने का पिटीशन रिक्वेस्ट कोर्ट के अंदर डाली जाती है तो एक प्रोविजनल लिक्विडेटर की जरूरत होती है। दिस कैन हैपन इफ द पिटिशनिंग क्रेडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनीज एसेट माइट बी सोल्ड ऑफ। ये उन केसेस के अंदर हो सकता है जहां पर कंपनी के क्रेडिटर्स को यह लगता है कि कंपनी के असेट्स को मिसमैनेज किया जा सकता है, उन्हें बेचा जा सकता है, या आर अनदर क्रेडिटर में बी ट्रीटेड प्रेफरेंशियली बाय द डेटर कंपनी, या ये कंपनी अपने कुछ क्रेडिटर्स को कुछ बेनिफिट दे सकती है, प्रेफरेंस दे सकती है। इन केसेस के अंदर कोर्ट इमीडिएटली एक प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देती है। देयरफॉर एज प्रोविजनल लिक्विडेटर द ऑफिशियल रिसीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग कंपनीज असेट्स एंड रिकॉर्ड्स अंटिल द वाइंडिंग अप हियरिंग। जब तक ये वाइंडिंग अप की सुनवाई, कंपनी को बंद करने की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, ऑफिशियल रिसीवर कंपनी के सारी असेट्स को अपने पास संभाल के रखता है ताकि कोई इसे मिसमैनेज ना कर दे। इसी के अंदर अब कुछ और आगे हम देखते हैं। इफ नो अदर लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई और लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं किया, और कंपनीज क्रेडिटर या कंपनी के क्रेडिटर ने कोई और लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं किया, द ऑफिशियल रिसीवर विल रिमेन इन ऑफिस एंड एडमिनिस्टर द प्रोसेस। यही ऑफिशियल रिसीवर अब ये ऑफिस के अंदर रह के कंपनी की वाइंडिंग अप के सारे काम को सुपरवाइज करेगा। नाउ हिज रोल इज टू आइडेंटिफाई द असेट्स टू बी सोल्ड। अब इसको ये देखना है कि कौन कौन सी असेट्स को बेचा जाना है। मेक अरेंजमेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, उन असेट्स की इवैल्यूएशन करवाए, उन असेट्स की वैल्यूएशन लगवाए। द थर्ड पॉइंट, टू सेल दोज असेट्स, इसके बाद उन असेट्स को बेच दे। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स इक्विटेबली अमंग क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। अब ये कंपनी के क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर के अंदर उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो उचित हो, न्याय संगत हो, उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब ऑफिशियल रिसीवर एज ए लिक्विडेटर हमने यहां पर डिफाइन कर दिया। ऑफिशियल रिसीवर रोल एज इन्वेस्टिगेटर, व्हेन ए कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन द ऑफिशियल रिसीवर टेक्स ऑन एन इन्वेस्टिगेटिव रोल। जब कोई कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में चली जाती है तो ऑफिशियल रिसीवर का एक और काम आ गया, इसने इन्वेस्टिगेट भी करना है ऐसे कौन से हालात थे कि यह कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में चली गई। ही शल एस्टेब्लिश द सर्कमस्टांसिस दैट लेड टू द कंपनीज इंसॉल्वेंसी, वो सारे हालात को जानेगा जिससे कि कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो रही है। ओ आर एज एन इन्वेस्टिगेटर मस्ट फाइंड आउट वेदर देर आर एनी इंस्टांसिस ऑफ मिसकंडक्ट और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स दैट कॉज द कंपनी टू फेल। ये OR जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ये उन सभी चीजों को जानने की कोशिश करेगा, कहीं कंपनी के अंदर कुछ मिसकंडक्ट या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं है डायरेक्टर्स के पार्ट पे जिसके कारण ये कंपनी फेल हो गई और अब ये कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है। ऑफिशियल रिसीवर विल स्क्रूटनाइज द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखेगा। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, जिन ट्रांजेक्शन के ऊपर शक है उनको उनकी भी छानबीन करेगा। एंड मेक इंक्वायरीज फ्रॉम थर्ड पार्टीज हु वर डीलिंग विद द कंपनी, वो सभी लोग जो कंपनी के साथ डील कर रहे थे ये उनके साथ भी इंक्वायरीज करेगा। ऑफिशियल रिसीवर का यहां पर दो प्रकार का रोल हो गया, एक एज ए लिक्विडेटर, एक एज एन इन्वेस्टिगेटर। स्टूडेंट, यहां पर मैं ऑफिशियल रिसीवर को दो हिस्सों के अंदर बांट रहा हूं जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अगर एक इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू हो रहा है तो उस केस के अंदर ऑफिशियल रिसीवर को हम नाम देंगे इंटरिम रिसीवर, और अगर एक कंपनी की
लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है तो उस केस के अंदर हम ऑफिशियल रिसीवर को नाम देंगे प्रोविजनल लिक्विडेटर। लेकिन अगर कोई और लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया जाता कोर्ट के द्वारा या क्रेडिटर्स के द्वारा, तो ये प्रोविजनल लिक्विडेटर ही ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाएगा। अब मैं एक थर्ड पॉइंट को टेकअप कर रहा हूं आपके सामने, रिसीवर अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। एक और टर्म रिसीवर जो कि इनके साथ मिलती जुलती है, तो मेरे को लगा कि ये चीज भी मैं आपके सामने इलैबोरेट कर दूं। अंडर ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी, ए रिसीवर इज एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू मैनेज, दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन ए सूट। कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट है, दो व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। कोर्ट ने इस केस के अंदर एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया टू मैनेज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दैट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर आ चुकी है उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उस प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करने के लिए कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पर्सन को अपॉइंट कर दिया, देन दैट पर्सन इज रिसीवर। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लूंगा और इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। देर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी ओवर द ऑनरशिप ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर दो लोग क्लेम कर रहे हैं। बी इज हैविंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बी के पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा है। ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और बी कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है। नाउ देर इज ए डिस्प्यूट, दिस प्रॉपर्टी इज disputed one. If the court is of the opinion that it is in the interest of both the parties that the possession be taken from B and be given to an independent person, अगर court को ही लगता है कि दोनों parties के interest के अंदर है कि B से कब्जा ले लिया जाए और ये एक independent person को दे दिया जाए, the court may appoint a person who can manage the property till the time suit is being decided. जब तक ये case solve नहीं हो जाता तब तक इस particular property को एक और व्यक्ति के कब्जे में दे दिया जाए, देन दैट पर्सन इज टर्म्ड एज रिसीवर। रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी रिसीवर की है। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव केस ही कैन कलेक्ट द रेंट अर्निंग्स अराइजिंग आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड यूटिलाइज इट टू मेंटेन द प्रॉपर्टी। अब ये इस व्यक्ति रिसीवर की जिम्मेदारी बन जाएगी उस प्रॉपर्टी में से रेंट को कलेक्ट करना और प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हो वो उसी में से करेगा। आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेंटल अर्निंग्स, इस घर को मेंटेन करने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो रेंटल अर्निंग्स में से करेगा, और अगर कुछ अमाउंट बच जाता है द रिसीवर विल डिपॉजिट द रेसिडुअल इनकम इफ एनी टू द कोर्ट। अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो रिसीवर उस अमाउंट को कोर्ट के अंदर जमा कर देगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रिसीवर इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज इन द सूट। रिसीवर किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ही इज सिंपली एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट ऑफ द केस। ये तो एक सिर्फ कोर्ट का ऑफिसर है जो कि प्लेंटिफ आरोप करता, जो कि डिफेंडेंट बचाव करता, दोनों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर तीन व्यक्तियों की बात करी, ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर एंड रिसीवर। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आपको इन तीनों टर्म्स को जानने के अंदर बहुत आसानी हो जाएगी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दो व्यक्तियों की बात की गई है, ऑफिशियल रिसीवर एंड ऑफिशियल असाइनी। उन पॉइंट्स को भी समझने के अंदर ये वीडियो लेक्चर आपकी बहुत मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।